नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूँ विभावी दीक्षित, लेकर आई हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। अनिल कपूर इन दिनों जुग जुग जियो में अपने रोल के लिए तारीफें बटोरने में लगे हुए हैं। अनिल कपूर अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हैं और जुग जुग जियो के बाद अब फैंस उन्हें सलमान खान के साथ नो एंट्री 2 में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी हाल ही में अनिल कपूर ने पुष्टि करी है कि वो फिल्म नो एंट्री टू कर रहे हैं और ये भी खुलासा किया है कि वो आमिर खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म करना जरूर पसंद करेंगे। पिंक विला से बात करते हुए अनिल कपूर ने कहा कि मैं नए अभिनेताओं के साथ काम करना चाहता हूं और मैं आमिर खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म जरूर करना पसंद करूंगा। नो एंट्री 2 के बारे में आगे बात करते हुए अनिल कपूर ने कहा कि ये एक शानदार फिल्म होगी और ये फ्रेंचाइजी में वापस आने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि अनीस बज्मी और सलमान खान शूटिंग की शेड्यूल डेट को तैयार करने में लगे हुए हैं। जब से कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ पर काम करना शुरू हुआ है, तब से आज पहली बार फिल्म का आधिकारिक लुक सामने आया है। आज निर्माताओं ने एक स्पेशल तरीके से फिल्म की रिलीज तारीख की घोषणा करी। फोन बूथ का आधिकारिक पोस्टर साझा करते हुए निर्माता फरहान अख्तर ने ट्वीट किया, #फोन बूथ की दुनिया में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर 2022 को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आ रहा है। पोस्टर में कटरीना कैफ और ईशान खट्टर का अलग लुक सामने आया है। ईशान खट्टर ने लिखा है, मेरे सबसे अनोखे चरित्र गुल्लू से मिलो और उसके पूरे नाम का अनुमान लगाने की कोशिश भी करो। पोस्टर में कटरीना, ईशान और सिद्धांत के अलावा जैकी श्रॉफ, शीबा चड्ढा, निधि बिष्ट और सुरेंद्र ठाकुर भी भूतों के रूप में नजर आ रहे हैं। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल निर्देशकों में से एक है। वो इंडस्ट्री में एक लौते निर्देशक है जिनकी लगातार 8 फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। निर्देशक के अलावा वो टेलीविजन में ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को भी होस्ट करते हैं। उन्होंने कैपटाउन में रियलिटी शो के 12वें सीजन के लिए शूटिंग करी है। रोहित शेट्टी ने कई फिल्मों में व्यस्त हैं और जिसमें सर्कस का नाम भी है। फिल्म सर्कस में रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, पूजा हेगड़े, वरुण धवन और संजय मिश्रा रहेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिए एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने अपनी अगली रिलीज सर्कस के बारे में बात करी। रोहित शेट्टी ने बताया कि ये फिल्म गोलमाल और ऑल दी बेस्ट की तरह एक खुश और मस्त फिल्म है। रोहित शेट्टी ने लॉकडाउन के दौरान इस फिल्म पर काम शुरू किया था। फिल्म को जुलाई 2022 की रिलीज डेट मिली थी लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था और फिल्म अब क्रिसमस वीकेंड पर रिलीज होगी। राजकुमार राव और पत्रलेखा बॉलीवुड टाउन में सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक है। कुछ घंटे पहले पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी सेक्शन में एक तस्वीर साझा करी थी। स्पेन में राजकुमार और पत्रलेखा को एक सुंदर सी जगह पर बैठे और चिल करते हुए देखा जा सकता है। इसी बीच वर्क फ्रेंड की बात करें तो राजकुमार अगली बार मिस्टर एंड मिसेस माही में जानवी कपूर के साथ नजर आएंगे। ये दूसरी बार होगा जब राजकुमार और जानवी अपने हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही के बाद से दोबारा साथ काम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।